नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन में। नवीन हिंदी व्याकरण से हमने शब्द विचार टॉपिक्स प्रारंभ कर रखा था। हम संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों विशेषण के बारे में। तो देखो विशेषण कहते किसे हैं, यह देख लो। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम, यानी जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताता है दोस्तों वह विशेषण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला सर्वनाम विशेषण कहलाता है। विशेषण कहलाता है यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा, विशेषण। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, मोटा आदमी। आप देखो दोस्तों, नीला आकाश, छोटी लड़की, मोटा आदमी, इसके अंदर आपको दो चीजें ध्यान रखना है। ये जो है नीला, छोटी और मोटा, ये क्या है दोस्तों, ये है विशेषण। क्या है विशेषण, ये क्या है विशेषण है। यानी ये विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषताएं बताते हैं। जैसे नीला आदमी है, छोटी लड़की है और मोटा आदमी है, ये क्या है विशेषताएं बताते हैं। कैसे, जैसे नीला आकाश है, आकाश कैसे नीला, विशेषण उसकी विशेषता बता दी, विशेषण कहलाएगा। लड़की कैसे छोटी, उसकी विशेषता बता दी। आदमी कैसे मोटा, उसकी विशेषता बता दी। और इनको दोस्तों कहते हैं विशेष्य, इनको कहते हैं विशेष्य। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं या विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य। तो ये विशेषण है और ये है विशेष्य। अब देखो विशेषण पांच प्रकार के होते हैं। विशेषण की संख्या कितनी है, पांच। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, और पांचवा है व्यक्तिवाचक। पांचवा क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी ये पांच विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक। तो सबसे पहले देखो गुणवाचक की चर्चा कर लेते हैं। गुणवाचक जो विशेषण होता है दोस्तों इसके अंदर क्या क्या किस चीज की विशेषता बताई जाती है। तो देखो गुणवाचक में आपको ध्यान रखना है रूप, रंग, दशा, स्वभाव, गुण, दोष आदि का वर्णन जिसपे किया जाता है। यानी रूप, रूप कैसा रूप है, जैसे मतलब काला नहीं, जैसे मतलब किसी का रूप कैसा है, कैसे आकार उसका रूप कैसा है, जैसे रूप है या रंग है, जैसे काला, दशा है कैसी है, मिठास, और स्वभाव किसी का जैसे गुण, इस प्रकार दोस्तों जैसे काला है, मिठास है, कड़वा है, अच्छाई है, सच्चाई है, खटास है, स्वभाव है, जो किसे चीज का कैसा स्वभाव होता है, कसेला है, इस प्रकार जो चीजें रूप, रंग, दशा, स्वभाव, गुण, दोष आदि का जो वर्णन करते हैं दोस्तों वे गुणवाचक विशेषण में आएंगे। जैसे मोहन स्वभाव से मधुर है, तो दोस्तों मोहन की विशेषता क्या होगी, मधुर।
इसके अंदर आपको पूछ ले विशेषण क्या होगा, तो दोस्तों विशेषण होगा, विशेषण क्या होगा मधुर, यानी मधुर क्या होगा इसका विशेषण होगा, और विशेष्य क्या होगा मोहन, मोहन क्या होगा विशेषण। जैसे काली गाय अधिक दूध देती है। अब इसके अंदर आपको पूछ ले कि विशेषण कौन है, तो क्या है काली, और विशेष्य क्या है गाय, काली गाय अधिक दूध देती है, तो ये क्या आ गया आपका विशेषण और विशेष्य। तो आपको ध्यान रखना है कि गुणवाचक में ये चीज शामिल होगी। अब दूसरा है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण की दोस्तों यह परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्याएं जो प्रकट करता है या विशेषताएं बताता है वह दोस्तों संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार की जो संख्याएं हैं वो बताता है, वो कहलाता है संख्यावाचक विशेषण। इसके भी दो भेद हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्याएं बताएगा, यानी संख्या जो है वो निश्चित होगी। जैसे दो दो केले लाओ, यानी केलों की क्या संख्या है निश्चित है। दो गेंद लाओ, गेंद की संख्या क्या निश्चित है, तो वो निश्चित वाक्य संख्या मैंने हुए। या कह दिया बहुत सारी गेंद लाओ, अब बहुत सारी गेंद में दोस्तों ये निश्चित है कि कितनी गेंद लानी है, तो वो क्या है अनिश्चित वाक्य संख्या वाक्य में आएगा। निश्चित के भी चार भेद हैं, पहला तो है आपके कर्मवाचक, कर्मवाचक में आए कर्मवाचक, दूसरा गणनावाचक, तीसरा समुदायवाचक, चौथा आवर्ती वाचक, आवर्ती वाचक। इसमें आएगा दोस्तों पहला दूसरा, गणना में आएगा एक दो तीन, समुदाय में आएगी दोस्तों इसमें आएगा दोनों तीनों, और इसमें आएगा दोस्तों दुगुना चौगुना चौगुना। यानी गण कर्मवाचक में आएगा जैसे अध्यापक ने बच्चों से कहा पहला पाठ पढ़कर आना है, तो कष्ट में आएगा कर्मवाचक में। गणनावाचक में कब तीन, वह तीन बालक साथ आते हैं, तीन वह तीन पाठ पढ़कर आने हैं, एक दो तीन चार पांच छह गणनावाचक में आएंगे। दोनों तीनों, तुम दोनों यहाँ आओ, अरे तुम तीनों यहाँ आओ, तो समुदायवाचक में, अरे उससे दुगना कीमत लेनी है, उससे तिगुनी कीमत लेनी है, ये किसमें आएगा आवर्ती वाचक में। इसके बाद दोस्तों देखो हम बात करें अनिश्चित संख्यावाचक की, तो अनिश्चित संख्यावाचक में दोस्तों निश्चित संख्या नहीं होगी, वहां क्या होगी अनिश्चित संख्या होगी। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या आएगा, जैसे ऐसे शब्द आएगा बहुत सारी पुस्तकें लाओ, पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, यानी पुस्तकें कितनी हैं ये निश्चित नहीं है। यानी निश्चित होगा तो क्या होगा निश्चित संख्यावाचक में दिया जाएगा, लेकिन अनिश्चित में क्या होगा बहुत है, कोई कुछ है, इस प्रकार के शब्द आएंगे, कुछ केले लाओ, कुछ गेंद लाओ, इस प्रकार जो आएगा वो दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। तीसरा देखो दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की जो निश्चित या अनिश्चित जो तोल होगा माप तोल होगा उसको प्रकट करेगा। अगर निश्चित माप तोल होगा तो निश्चित परिमाणवाचक में आएगा, अगर अनिश्चित माप तोल होगा तो अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। जैसे 7 लीटर पानी है। अब दोस्तों यहां पर ये जो लीटर है 7 लीटर पानी ये क्या है निश्चित है, तो ये किसका उदाहरण हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का। कुछ किलो आम दो,
अब यहां पर देखो कुछ किलो आम दो, लेकिन उसने ये स्पष्ट नहीं किया कि कितने आम दो, 2 किलो दो, 3 किलो दो, आधा किलो दो, 1 किलो दो, उसने कह दिया कुछ किलो आम दो। तो किसमें जाएगा दोस्तों? अनिश्चित परिमाणवाचक में। तो आपको परिमाणवाचक में इतने ध्यान रखना है, यदि मापतोल की इकाई निश्चित में आएगी तो निश्चित परिमाणवाचक, जैसे मापतोल लीटर है, मीटर है, किलो है, जो मापतोल की इकाई है वो निश्चित में आएगी तो निश्चित परिमाणवाचक होगा, और अनिश्चित में आएगी तो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हिंदी की क्लास इतनी ही होगी। आज हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है, मैंने आपको विशेषण के 3 विशेषण बता दिए हैं, और बाकी के जो विशेषण है वो हम कल तक कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें।